अनभिज्ञ YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर कोई चाहता है कि एक YouTube चैनल बनाकर रातों रात सफलता प्राप्त कर ले, और सफलता से उसका मतलब कुछ दूसरा नहीं होता है, बल्कि सफलता से सीधा मतलब होता है कमाई से। हर व्यक्ति जानना चाहता है क्या YouTube से उसकी इतनी कमाई हो सकती है जितने करियर के दूसरे ऑप्शन से, मसलन कोई UPSC की जॉब हो सकती है, कोई प्राइवेट जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, या जो दूसरे नए ऑप्शन उभर रहे हैं, कोई खिलाड़ी बन सकता है, कोई किसी अन्य फील्ड में जा सकता है। कुल मिलाकर लब्बल हुआ बात यह है कि क्या वाकई एक यूट्यूब चैनल से इतनी कमाई हो सकती है कि एक मुख्य करियर के रूप में उसे आजमाया जा सके। इस बारे में आपने भी तमाम बातें सुनी होगी, कुछ वीडियो देखी होंगी, लेकिन फिर भी कई सारे प्रश्न होंगे जो मन में कहीं घूमड़ रहे होंगे कि क्या वाकई ये सही कह रहे हैं लोग। और बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी हैं जिसमें ये डाला, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, कुछ कुछ व्यूज पाने के लिए लोगों ने इतनी चीजें बना रखी है जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करती होंगी, आपको सेटिस्फाई नहीं करती होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो बातें बोल रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, कहां से YouTube इतनी कमाई आपको दे सकता है, और कितने चैनल हो सकते हैं, कितने माध्यम हो सकते हैं। और अगर इतना ही सही है कि YouTube चैनल से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग फेल भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको क्विट भी कर रहे हैं, तो इसके बीच में अंतर क्या है? एक तरफ जो है YouTube से अर्निंग करने वाले लोग जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग जो मेहनत तो करते हैं या सोचते तो हैं किंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए इस लॉजिक को क्लियर करते हैं कि YouTube से कितनी कमाई हो सकती है और उसकी कितनी स्ट्रीम है, कितनी धाराएं हैं जहां से मोटे तौर पे आप एक बेहतर इनकम कमा सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। तो मेरा नाम मिथिलेश है और पिछले करीब 14 इयर्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में हूं, और दिन पर दिन मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि कैसे यह दुनिया बदली है। 14 साल का समय एक काफी लंबा समय होता है, और जब हमने काम शुरू किया था 2007 के आसपास, तो उसके बाद उस समय हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग के वर्क शुरू किया था। वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद धीरे 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 सोशल मीडिया का उभार हुआ, वीडियोस का उभार हुआ, एप्लीकेशंस का उभार हुआ, और इस तरह से दुनिया बड़ी तेजी से बदली। तो हमने देखा हुआ है, कई कंपनियों के साथ क्लोजली काम किया हुआ है उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनकी डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन के लिए, और इसलिए आपको यह बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है, कहीं लॉजिकल एरर नहीं है, कहीं लॉजिकल कंफ्यूजन नहीं है कि YouTube से कितनी स्ट्रीम से कमाई हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूं कि कई सारे दूसरे चैनल होने के बावजूद भी यह एक मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है डेडिकेटेड, जिसमें टेक्निकल नॉलेज मिल सके, खासकर YouTube के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट फैल रहा है इसकी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ रही है कि लोगों की कमाई के अवसर भी बढ़ेंगे, वैसे वैसे वीडियोज का दायरा बढ़ेगा, डिजिटल एक कहते हैं कि स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आपके लिए जानना जरूरी है, न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी, इस डिजिटल स्पेस में आप कैसे अपने करियर के ऑप्शन को उभार सकते हैं, और YouTube उनमें सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह बात 100% सच है कि बहुत सारे लोगों का करियर YouTube ने बनाया है और वह एक बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन कहां से, कैसे? कई बार बिना जाने सुने लोग अपना YouTube चैनल बनाते हैं और दौड़ पड़ते हैं, जबकि उनको आइडिया नहीं होती है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। कई चैनल मेरी जानकारी में ऐसे भी हैं जिन्होंने मिलियंस में सब्सक्राइबर भी जुटा लिए, लेकिन कुछ खास अर्निंग नहीं हुई, जबकि कई लोगों के सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज भी कम है, उसके बाद भी उनकी अर्निंग बहुत अच्छी खासी। तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप अगर समझ लेंगे YouTube में कमाई आपको कहां कहां से आ सकती है, तब जब आप अपनी मेहनत लगाएंगे, अपना आप एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तब आपके दिमाग में वह सारे फ्लो चलेंगे, सारी एल्गोरिदम चलेगी, सारे दिशाएं आपके दिमाग में क्लियर होंगी, और आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि YouTube से कमाई का ऑप्शन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, और सिर्फ यह कमाई के बारे में नहीं है, मैं आगे इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इससे कैसे आपको एक पर्सनल ब्रांडिंग भी मिल सकती है जो कि डायरेक्ट अर्निंग से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तो आइए चलते हैं, और मुख्य रूप से जिसमें हम बात करेंगे YouTube से कमाई के बारे में, क्योंकि सभी लोगों का यही प्रश्न हो सकता है, होता है कि क्या YouTube से मेरी कमाई हो सकती है तो कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है डायरेक्ट अर्निंग। यह हम सभी जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि 1000 सब्सक्राइबर जब आपके YouTube चैनल पर हो जाते हैं, 4000 घंटे जब वॉच टाइम आपके चैनल पे हो जाता है, तब आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, और यूट्यूब आपके वीडियोज पे, आपके चैनल के वीडियोज पे एडवर्टीजमेंट दिखलाना शुरू कर देता है, और वह जिनका एडवर्टीजमेंट दिखलाता है, सपोज कीजिए कि मारुति की कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घड़ी हो सकती है, कोई फोन हो सकता है, उस एडवर्टाइजमेंट का 55% आपको रेवेन्यू शेयर करता है,
जो आपके वीडियोस पे चलता है 45% वो खुद रखता है। तो डायरेक्ट अर्निंग के बारे में सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इसके प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो देखिए इसके इस माइलस्टोन को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोज इस अर्निंग के चैनल में भी है जो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें करनी पड़ेगी। और आगे भी इस सीरीज में एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब सक्सेस, इसमें हम हिंदी में आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इन सारे स्ट्रीम को आप क्रैक कर सकते हैं, सारे स्ट्रीम को आप इसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप YouTube चैनल से डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंटेंट पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका थंबनेल मेकिंग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके अलावा टैग्स हो गए। तो इन सारी चीजों की बाद में बात करेंगे, चूंकि यह वीडियो का टॉपिक भटक जाएगा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कमाई कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो डायरेक्ट अर्निंग आपका एक बड़ा सोर्स है और पहला माइलस्टोन है जिसे आपको क्रैक करना चाहिए, लोग करते भी हैं। किंतु क्या यह अंत है, क्या यहीं पे हमारी यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए? बहुत सारे लोगों को जानकारी न होने के कारण आप ये समझ लीजिए कि वह YouTube का बड़ा छोटा पार्ट देख पाते हैं और इसीलिए वह जब अपना YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें हमें करना क्या है, किधर जाना है, कैसे जाना है। तो देखिए डायरेक्ट अर्निंग एक बड़ा सोर्स है, लेकिन सिर्फ आप इसी को टारगेट लेकर न चलिए बल्कि दूसरे स्ट्रीम को भी समझिए। जो मुझे पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर डायरेक्ट अर्निंग को एक एस्टिमेट लिया जाए, अगर डायरेक्ट यूट्यूब से अर्निंग आपकी 20% है, 100 रुपए में अगर आप 20 रुपए कमाते हैं तो 80 रुपए पर भी आप ध्यान दीजिए, जो आपको बड़ा अमाउंट दे सकता है, जो कि अधिकांश लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं अगले पॉइंट में। तो डायरेक्ट अर्निंग के बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है आपका स्पॉन्सरशिप का। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो चलती रहती है तो जो डायरेक्ट अर्निंग आती है, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट आती है, वह तो आपके चैनल पर आती ही आती है, लेकिन उसके अलावा भी जो वीडियो बनाता है व्यक्ति, वह बीच बीच में किसी एप्लीकेशन का खुलकर प्रचार करता है, किसी वेबसाइट का, किसी प्रोडक्ट का ओपनली प्रचार करता है, किसी एजेंसी का ओपनली प्रचार करता है और बाद में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता है, कई बार कूपन कोड भी दे देते हैं कि भाई आप अगर फ्लिपकार्ट से या किसी भी वेबसाइट से वेज रूप से आप अगर ये सामान परचेज करते हैं तो इस सामान पे आपको इतनी छूट मिलेगी और यह वीडियो इसी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। तो स्पॉन्सरशिप की इनकम बहुत बड़ी इनकम है और अगर आप बड़े यूट्यूबर्स को आप देखेंगे तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है। लेकिन स्पॉन्सरशिप क्या सबको मिल सकती है और अगर कई लोगों को नहीं मिलती है तो वह क्या गलतियां करते हैं, इसकी जानकारी इस पूरी सीरीज के आखिर में अलग अलग वीडियो लॉन्च करेंगे। पहले तो इस वीडियो में इतना ही जानना पर्याप्त है कि कमाई कैसे हो सकती है। तो पहला हो गया आपका मोनिटाइजेशन, दूसरा हो गया आपका स्पॉन्सरशिप और आपको स्पॉन्सरशिप से बहुत हैंडसम इनकम आपको हो सकती है अगर आप यूट्यूब चैनल प्रॉपर ढंग से डेवलप कर पाए, अपना ऑडियंस डेवलप कर पाए और आप सस्टेन कर पाए, आप एक कंटिन्यूअस समय तक अपनी ऑडियंस को बांध पाए, तो निश्चित रूप से स्पॉन्सरशिप से आपको बहुत बेहतरीन इनकम हो सकती है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है अर्निंग का, वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है यह आप समझिएगा कि आप अपनी वीडियो में अपनी बात करते करते, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि YouTube वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो कमाई के ये माध्यम है, तो कमाई की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर आप अपने वीडियो बनाना चाहें तो अगर मैं यही बोल दूँ कि अगर मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ, इस माइक को आप अच्छे से आवाज में, ये बोया का माइक है, अगर आप खरीदना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है और आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे रिकमेंडेशंस आती हैं तो वो जब आप उस लिंक पर पर्टिकुलरली क्लिक करते हैं वो लिंक आपको लेके जाता है किसी अमेज़न वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे, मीशो पे या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे। अब जब आप उसको परचेज करते हैं तो उस परचेज का कुछ हिस्सा, अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी वीडियो देख के मेरे आप एफिलिएट लिंक को क्लिक करके पहुंचे हैं, कुछ हिस्सा मुझे आएगा। अब ये बड़ा इसका सिंपल क्रोनोलॉजी है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर एक वीडियो पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर इसके मिलियंस व्यूज आ जाए, अगर 10 लाख इसके व्यूज आ जाते हैं तो क्या होगा, अगर 10 लाख में से मान लिया जाए कि 10% लोग ही इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाते हैं, अब 10% मतलब कि आपका 1 लाख लोग हो गए, 1 लाख उस पर्टिकुलर लिंक पे गए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, इससे थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है ऑडियंस पे। अब अगर 1 लाख लोग जाते हैं, उसमें मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों में से 10% लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, मतलब कि 1 लाख में से 10,000, एक परचेज पे अगर मुझे 10 रुपए भी मिलते हैं, किसी एक यूट्यूबर को 10 रुपए भी मिलते हैं, तो आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए कि ये लाखों रुपए का अमाउंट हो जाता है।
तो इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट के बारे में है, एक वीडियो के बारे में है, 1 मिलियन व्यूज के बारे में है, जबकि बड़े यूट्यूबर के तौर पे अगर आपने खुद को इस्टेब्लिश कर लिया तो आपके डिफरेंट वीडियोस में मिलियंस व्यूज आते हैं, एक नहीं कई वीडियोस में आते हैं और मिलियंस ही नहीं उससे ज्यादा व्यूज आते हैं। और अगर ऑडियंस एंगेजमेंट आपकी बहुत स्ट्रांग है तो केवल 10% ही क्यों, बहुत सारे लोग जाके वहां पे उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से यात्रा चलती है और एक वीडियो में कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट के बारे में दिया जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया था रिलेवेंट के बारे में, और वहां से एफिलिएट लिंक के माध्यम से बढ़िया इनकम जनरेट करते हैं यूट्यूबर्स, और ये एक इनकम का अच्छा सोर्स है। किंतु क्या ये सभी कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन यही है। तो सवाल यही है कि सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं जबरदस्ती तो उनकी ऑडियंस वहां नहीं पहुंचती है, क्या रीजन है। YouTube के डिफरेंट वीडियोस में जो ये सीरीज चल रही है इसके बारे में हम आगे जाने, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम भी, और यह आपके साथ साथ ग्रो कर रहा है, जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो ये चैनल ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ आपके साथ उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हुए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर किसी का बहुत सक्सेसफुल चैनल है तो वह जब कोई वीडियो बनाएगा तो वह जो वीडियो बनाएगा वह अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाएगा, अपनी तरीके से बनाएगा। हो सकता है कि 4 साल पहले जो उसने संघर्ष किया हो वो संघर्ष उस रूप में आपको प्रेजेंट ना करता है या उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन यह जो अभी के चैनल शुरू हो रहा है ये आपके साथ ही बिल्ड होगा और आपके साथ ही साथ चलेगा। तो बिल्कुल मैं भी उसी अवस्था में हूँ जिस अवस्था में आप हैं, जिस अवस्था में मेरा चैनल स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप उसको फील कर पाएं, और इस सीरीज के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयत्न है जो मैं एक्सपीरियंस के द्वारा और जो अभी मैं सीख रहा हूँ उसके द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो तीसरा जो कमाई के बारे में है वो एफिलिएट लिंक के बारे में बताया गया। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आता है चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग कर लीजिए या पर्सनल ब्रांडिंग कर लीजिए। यह बेहद ताकतवर मीडियम है, और YouTube के जो ऊपर के पॉइंट्स बताए गए हैं कमाई के 3 पॉइंट्स, एक डायरेक्ट अर्निंग हो गया, दूसरा आपका स्पॉन्सरशिप हो गया, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इन तीनों से स्ट्रॉन्ग है पर्सनल ब्रांडिंग या डायरेक्ट सेलिंग। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम YouTube की दुनिया में है तो कभी ना कभी संदीप माहेश्वरी का वीडियो हम सबने जरूर देखा होगा, बड़े यूट्यूबर है, 24 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है, लेकिन जिस बात के लिए उनको जाना जाता है वो यह है कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। जी हाँ, 24 मिलियन यानी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास उनके सब्सक्राइबर है, हर वीडियो पे उनकी मिलियंस व्यूज आती हैं, और 1-2 मिलियन नहीं बल्कि कई कई मिलियन व्यूज आती हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, और संभवतः वो स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेते हैं और एफिलिएट लिंक के थ्रू भी नहीं करते, मतलब कमाई के जो ऊपर के 3 ऑप्शन है संदीप माहेश्वरी के चैनल में वह नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यही जेनरेट होता है कि क्या वाकई वह कमा नहीं रहे, उनको कोई फायदा नहीं है? तो इसका जवाब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब नहीं है। ऊपर की अर्निंग एक बहुत हेवी अर्निंग है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट तरीके से तो उनकी अर्निंग 2.5 से 3 करोड़ रुपए महीने के आसपास बैठती है, अगर वह ऊपर के तीनों मेथड से, डायरेक्ट यूट्यूब अर्निंग से, स्पॉन्सरशिप से, और उसके बाद एफिलिएट लिंक से, अगर वो अपने चैनल को मोनेटाइज कर दें तो 24 मिलियन जो उनके सब्सक्राइबर हैं, 2.4 CR के आसपास जो उनके सब्सक्राइबर है, इनके माध्यम से 2.5 से 3 करोड़ अर्निंग उनकी कहीं नहीं गई है, मतलब सालाना आप मान के चलिए 30 से 40 करोड़ की अर्निंग कहीं नहीं गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक व्यक्ति 30 करोड़ रुपए सालाना नहीं ले रहा है, जो ले सकता है इजीली, तो उसको फायदा क्या हो रहा है? उसको फायदा है ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का, और इसको मैं आगे एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो संदीप माहेश्वरी जी का ये समझ लीजिए कि उनके दूसरे बिजनेसेस भी हैं, एक है इमेजेस बाजार, जैसे स्टॉक फोटो है वैसे ही उनका अपना एक वेंचर है इमेजेस बाजार नाम से, वो डिफरेंट मॉडल्स के इंडियन फोटो शूट कराते हैं और उनको अच्छे खासे दाम पे डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, यहाँ तक कि विदेशों में इंडियन इमेजेस की जहाँ डिमांड होती है, तो वह एक अच्छा खासा सोर्स है, और डेफिनेटली संदीप माहेश्वरी जी की ब्रांडिंग का उसमें बड़ा रोल है उस चीज को सक्सेसफुल करने में। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग, या मैं YouTube का चौथा स्ट्रीम बताता हूँ जो अगर आपको शुरुआत में क्लियर नहीं होगा तो आप बेशक मिलियन सब्सक्राइबर बना लीजिए, आप बेशक खूब सारे व्यूज जुटा लीजिए, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आखिर तक देखिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पर्सनल ब्रांडिंग, डायरेक्ट सेलिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल मैंने दिया संदीप माहेश्वरी जी का, एक और एग्जांपल लेते हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब से नहीं है लेकिन हमारे आसपास हम सभी लोग उनके बारे में जानते हैं, और वह है बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का। योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध स्वामी रामदेव ने घर घर तक योग को पहुंचाया, विदेशों तक में योग को पहुंचाया,
और कभी उन्होंने इस चीज का पैसा नहीं लिया योग का किसी प्रकार से भी। आप देखेंगे तो डिफरेंट जगह पे उनके शिविर लगते थे, डिफरेंट जगह पे उनकी चीजें होती थी, इस माध्यम से उन्होंने पैसा नहीं कमाया। और योग को उन्होंने पहुंचाया तो फायदा क्या हुआ उनको? अब फायदा हुआ उनको पतंजलि के नाम से, जो उन्होंने एक सीरीज ऑफ कंपनीज लॉन्च की, और अभी एक रुचि सोया के नाम से उनकी कंपनी उन्होंने एक्वायर किया था जो पतंजलि फूड्स के नाम थी। शेयर मार्केट में वो धमाल कर रही है, 50,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन उस अकेली कंपनी की है। तो आप ये देखिए कि बाबा रामदेव की ब्रांडिंग का फायदा टोटली पतंजलि को मिला। तो जब आप एक कार्स करते हैं, जब आप एक बड़े परिदृश्य में अपनी ब्रांडिंग को लेकर सचेत होते हैं, तो उसका फायदा आपको छोटा नहीं बहुत बड़ा मिलता है। तो संदीप माहेश्वरी जी के बाद, बाबा रामदेव जी के बाद, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो यूट्यूब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की दुनिया में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। उनके भी 19 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है, लेकिन उनकी ऑडियंस बिजनेस ऑडियंस है, एंटरप्रेन्योरशिप की ऑडियंस है, और ये ऑडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जो उनकी ब्रांडिंग है, आप ये समझ लीजिए कि शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जो विवेक बिंद्रा जी से कोचिंग लेना चाहती हो, अपने एम्प्लॉई को मोटिवेट ना करना चाहती हो, अपने लीडरशिप फनल में सीखना ना चाहती हो, तो ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन उनके टच में हैं। बहुत सारे स्टार्टअप शूज कर रहे हैं, अभी हार्सी डिजिटल के नाम से उनके चैनल पे आ रहा है, जो आज तक का एक सब्सिडियरी है, गुड न्यूज टूडे GNT, तो उनके साथ मिलके हाउसेज स्टेबल कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट आइडियाज आते हैं, डिफरेंट एंटरप्रेनर्स आते हैं, डिफरेंट स्टार्टअप आते हैं और अपने लिए फंडिंग लेके जाते हैं, लाइव फंडिंग शो है। इसी प्रकार से अभी उन्होंने स्टार्ट किया है एक और नया स्टार्टअप की कहानी बताने का जी न्यूज के साथ। तो देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग का जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग का जो फायदा होता है वो कहीं बहुत बड़ा होता है। और यूट्यूब के डायरेक्ट अर्निंग से आप कंपेयर कीजिए तो डायरेक्ट अर्निंग से जो इनकम आती है, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग से, जो पर्सनल ब्रांडिंग से इनकम आती है, और पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे बहुत सारे कोर्सेज सेल होते हैं विवेक बिंद्रा जी के, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का हो गया, IBC हो गया, बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर अपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना के सेल कर रहे हैं, कोई अपनी दूसरी, कोई ऑर्गेनिक गार्डनिंग के नाम पे है तो अपना बीज ही सेल कर रहा है। सपोज कीजिए किसी ने गार्डनिंग की शुरुआत की है, वैसे हमने भी एक चैनल शुरुआत किया है, एक वेंचर शुरुआत किया है वेज ग्रुप के नाम से। लेकिन अब ये देखिए कि अब अगर उस पे ट्रैक्शन होता है, उस पे एंगेजमेंट होती है, उस पे ऑडियंस जुटते हैं, तो जो डायरेक्ट सेलिंग होगी तो बीच की लड़ी हट जाएगी। आप याद कीजिए मेरी पहली वीडियो, मैंने बताया था कि जो यूट्यूब को एडवर्टीजमेंट मिलता है 100% का, उसमें 55% आपको देता है और 45% खुद रखता है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट ही कस्टमर आए और वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए ही, कुछ खरीदने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ऑडियंस के साथ, कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है कि आप इस बात से समझ पाए होंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है। अब आप कैसे लाभ उठा सकते हैं इस चीज को लेके? अगर आपको ये बातें पहले पता नहीं होगी तो क्या करेंगे कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आप यूट्यूब चैनल बना के अपनी वीडियो बनाएंगे, दूसरे की वीडियो देखेंगे, कभी ये वीडियो बनाएंगे, कभी वो वीडियो बनाएंगे, व्यूज लाने के लिए, 4,000 घंटे का वॉच टाइम लाने के लिए, 1,000 सब्सक्राइबर लाने के लिए, और ये यात्रा चलती रहेगी। लेकिन आप मिस क्या करेंगे, आपको करना क्या चाहिए? सपोज कीजिए कि आप एक LIC एजेंट हैं, सपोज कीजिए कि आप गार्डनिंग करते हैं, सपोज कीजिए कि आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग क्लासेस की भी बहुत सारे एग्जांपल है, खान सर से लेके फिजिक्स वाले से, ये सभी लोग यूट्यूब चैनल चला के आज यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर चुके हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप समझिएगा कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये मैं बता रहा था कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जिस बिजनेस में है, जो आपका बिजनेस चलता है, जो आप काम पहले से करते हैं, चाहे टीचिंग का हो गया, चाहे गार्डनिंग का हो गया, चाहे कंसल्टेंसी का हो गया, कोई फिनेंशियल सर्विसेज का हो गया, अगर आप इससे रिलेटेड ऑडियंस की प्रॉब्लम समझते हैं, जहां कमी है थोड़ी स्टडी करते हैं, और अगर आप इस विषय पर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि आपको ऊपर के तीनों फायदे तो होंगे, तीनों अर्निंग होगी, मतलब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, दूसरा आपका हो गया स्पॉन्सरशिप, तीसरा एफिलिएट लिंक का के माध्यम से आपकी कमाई। लेकिन जो चौथा फायदा आपके बिजनेस को ऐसे लेके जाएगा ऊपर सीधे, जो जे कर्व होता है प्रॉपर ऊपर की तरफ जाता है, उस तरीके से आपकी ग्रोथ सुनिश्चित होगी। तो ये मेथड था। तो कोशिश कीजिए कि आप इस सीरीज के एवरीथिंग अबाउट यूट्यूब A to Z नॉलेज इन हिंदी, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें हमने बताया कि यूट्यूब से कितने तरीके से कमाई हो सकती, कितने मेथड्स हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जो हमने बताया उसमें लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। हम सीधे सीधे कोई स्क्रीनशॉट लेके हम नहीं दिखा रहे हैं कि इतनी अर्निंग हो गई, उतनी अर्निंग होगी, बट कि लॉजिकल, जो कि बिल्कुल वैलिड है, जो आपके समझ में आ सकने वाला है पॉइंट है, वो हमने आपको बताया। क्या वाकई आपको ये समझ में आया?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप सच में यूट्यूब की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो हम आपको सीधे सीधे नहीं बताएंगे कि ये करो वो करो, बल्कि उसके पीछे की लॉजिक समझाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे अर्जुन युद्ध करने से पहले उन्होंने समझ लिया कि युद्ध करना क्यों है और हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए करना है। तो यूट्यूब आपको करना क्यों है, कमाई के लिए करना है, तो कमाई की स्ट्रीम को आप बारीकी से समझिए। अब बात आती है कि कैसे हम इन चारों माइलस्टोन को प्राप्त कर सकते हैं, बेटर कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट एंड डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल ब्रांडिंग। अब इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, थोड़ी यह सीरीज लंबी हो सकती है लेकिन यकीनन उतनी लंबी नहीं होगी जितनी लंबी आप सोचते हैं, क्योंकि YouTube को अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं तो बेसिक्स फंडामेंटल्स आप जरूर क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप भटकेंगे। आप देखते होंगे कि YouTube पर बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट आ रहा है किसी ऊटपटांग हरकतों का, तो आप सोच के देखिए कि मिलियन सब्सक्राइबर बेशक आ जाए, किसी की इसमें आलोचना नहीं है, बहुत सारे लोग इन विषयों को नहीं जानते हैं और उन्होंने जो डिजिटल मार्केटिंग के डिजिटल दुनिया से जिनका पहला परिचय हुआ है उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है और भगवान करे कि आने वाले दिनों में वो और सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप इन विषयों को समझते हैं तो आप पहले अपने फंडामेंटल क्लियर कीजिए, अदरवाइज एक लेवल पे जाने के बाद आप रुक जाएंगे, आप क्विट कर जाएंगे या फिर आप अपनी कैपेबिलिटी के मुकाबले सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जो ऊटपटांग हरकत करता है, कोई कपड़े उतार के कोई हरकत करता है, कोई अश्लील हरकत करता है, वो अपनी कमाई से संतुष्ट हो जाए, उसका अपना एक लेवल है, उसकी अपनी एक थिंकिंग है। लेकिन अगर आप एक काबिल व्यक्ति हैं, अगर आप एक वाकई एम्बिशियस व्यक्ति हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो सफलता के लिए फंडामेंटल जरूर क्लियर कीजिए। कमेंट में जरूर डालिए कि आपको यह पॉइंट्स कैसे क्लियर लगे, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज में बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को लाइक कीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चैनल भी आप ही के साथ ग्रो करेगा। आपने चाहे अपना चैनल अभी शुरू किया हो या आप अभी मिड स्टेज में हो, हम भी आपके साथ ग्रो करेंगे, सीखेंगे। और अपने कमेंट से आप हमें बताइए कि वाकई क्या यह वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी YouTube से कमाई के बारे में इसने थॉट प्रोसेस को क्लियर किया है क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके साथ शेयर भी कर दीजिए जिनको आपको लगता है कि वो अभी YouTube की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन झटके खा करके बढ़ते हैं, रुक रुक के बढ़ते हैं, तो ये वीडियो निश्चित रूप से मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और इसके आगे करीब 12-13 वीडियोस और आएंगी और वह हम कोशिश करेंगे टू दी पॉइंट, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके दिमाग में लॉजिक क्लियर हो। और बहुत सारे कैसे कैसे करेंगे वो अभी हम बताएंगे, कैसे की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगी बहुत सारी जिनके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन एक जगह कलेक्शन नहीं मिलेगा। एक जगह कलेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस और लेट्स सी कि यूट्यूब की दुनिया में हम किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं, आप किस प्रकार ग्रो कर सकते हैं। शुभकामनाएं है।